स्वयं प्रभा असीम शक्तियों वाली वन में रहने वाली एक योगिनी रावण की बहन शूर्पणखा ने इस योगिनी की करुणा का फायदा उठाया, उसकी सारी शक्तियों को चुरा लिया और उसके बढ़ते काले कदम उपवन के हर जीव के लिए मनहूस हो गए। जय श्री राम। आखिर पहुंच ही गए रक्षपिला। हमें जल्दी करना होगा काका, स्वयं प्रभा की शक्ति ही अब अंगद को बचा सकती है। बता गद्दार, क्या है इस गुफा के अंदर? पता नहीं, मैंने जो किया नहीं करता तो वो मुझे मार डालती। ये तो तभी साबित होगा जब तुम उसके पास वापस जाओगे। वाह, ये तो बड़ी खूबसूरत कला है। ठहरो, क्या हुआ? हम इस स्थान से पहले भी गुजर चुके हैं। गुफा का माया जाल हमें गोल गोल चक्कर कटवा रहा है। इससे पहले कि डर इन सबको घेर ले, तुम्हें कोई रास्ता ढूंढना होगा। जिसके अंदर उजाला पले वो बाहर के अंधेरे से क्या डरे। राम। चलो मेरे साथ। स्वयं प्रभा, तो मेरे सर आप सबको यहां खींच लाए। आप ठीक है? वो शूर्पणखा, उसका क्या हुआ? मार डाला मैंने उस दुष्ट राक्षसी को। तुम्हारा मित्र अपनी मृत्यु के बहुत निकट है, उस विष का जाल इसके पूरे शरीर में फैल चुका है। मेरे भाई घबराओ मत, तुम्हें हम कुछ नहीं होने देंगे। आराम करो अंगद, आराम। अपनी पीड़ा को ये सहन नहीं कर पाएगा। मुझे तुम्हारी थोड़ी सी जीवन ऊर्जा निकालकर अंगद के शरीर में डालनी होगी। तो कीजिए जो करना है। मेरी क्रिया तुम्हें कुछ क्षणों के लिए कमजोर बना देगी हनुमान, लेकिन फिर असीम शक्ति का भंडार है तुम्हारे अंदर और तुम हो कि अपनी ही ताकत से अनजान। तुम्हारी शक्ति लेकर मैं उस सीता को जिंदा निकल जाऊंगी, राज करूंगी मैं राम पे। मेरी शक्ति चाहिए, ये ले, एक साथ ले। एक साथ नहीं। भर ले अपने आप को जब तक तू फट ना जाए। हनुमान संभल कर, तुझे अब नहीं छोड़ोगे। कमाल है, मैं भी तुझसे यही कहने आई थी। तूने मुझे तड़पाया, आज तेरा अंत निश्चित। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अक्सर किसी की जान लेना आखिरी उपाय होता है, लेकिन मारने से बड़ा बचाने वाला होता है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सीख कहां से मिली तुम्हें? एक मित्र से। अक्सर किसी की जान लेना आखिरी उपाय होता है, लेकिन मारने से बड़ा बचाने वाला होता है। क्रोध वो शस्त्र है जिसे मैं अरसों पहले त्याग चुकी थी। क्या आप इसे बचा सकती हैं? अब कुछ करना कठिन है। आप प्रयास तो कीजिए। नहीं, आप हिम्मत मत छोड़िए, एक बार फिर कोशिश कीजिए। अंगद, मेरे भाई, उठ। हनुमान। हाँ अंगद। राजकुमारी सीता कहाँ है ये मैं नहीं जानती, लेकिन ये मायावी द्वार तुम्हें कई सप्ताहों की यात्रा की बचत देकर यहाँ से सीधे समुद्र के तट पर पहुँचाएगा। चलो तुम दोनों भी ना। जामवन काका, कुछ कहना था आपसे। अंगद को मैंने नहीं, हनुमान ने बचाया। उसकी शक्तियाँ फिर से जागृत हो गई हैं। उसके सत्य से उसका परिचय कराने का समय अब आ गया है। क्या उस सत्य का भार उसके कंधे उठा सकेंगे? कहाँ हुआ जनक दुलारी, राम वधु, अयोध्या की राजकुमारी सीता।